हेलो फ्रेंड्स, वगैरह एक नई वीडियो मैच करो। अभी ओडीजी कनेक्शन को किस प्रकार से इनेबल एंड डिसेबल करते हैं वो बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है रियलमी का फ़ोन है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको उस प्रकार से इंटरफेस आता है एंड इसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तब आपको यहीं पर दिख जाएगा ओटीजी कनेक्शन एंड इस प्रकार से ये ऑफ होता है, इस प्रकार से ऑन होता है। जब ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा भी ऑटोमेटिक टर्न ऑन ऑफ व्हेन नॉट इन यूज फॉर 10 मिनट्स, यानी कि आपका ये ऑटोमेटिक ये आपका 10 मिनट्स बाद ऑफ हो जाता है एंड ऑफ हो जाएगा आपका। और ये ओटीजी कनेक्शन आप गेम कंट्रोल में यूज़ कर सकते हैं, फ़ैन कनेक्ट करने के लिए, मतलब फ़ैन कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं और एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। और भी तब चार्ज होगा जब आपके पास USB-C का एक तार होगा तब। एंड इस प्रकार से आप इसका यूज़ कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो फ्रेंड्स, और बहुत से तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। वही 10 मिनट्स ही मतलब कि 10 मिनट्स ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाता है। तो दोबारा ऑन कर लेंगे, इस प्रकार से ऑफ है इस प्रकार से ऑन कर लेंगे। एंड ओटीजी कनेक्शन के इसी प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आएगा किस प्रकार से ओटीजी कनेक्शन को इनेबल करते हैं या डिसेबल करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।